अज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है वाई जो हमें देता है वाई इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट। और वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है के 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले ये देखते हैं कि इनमें चीज़ फाइंड क्या करनी है। तो इसमें एक चीज़ तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ये पुट करेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें मौजूद है। जब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं ये वाली चीज़ फाइंड करने के लिए। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया। अब देखिए एक्स की पावर 1/2 और ये भी एक्स की पावर 1/2, लेकिन नीचे है तो एक्स की पावर -1। तो इधर भी मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी ओ डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब देखिए इन दोनों में पावर वाला फार्मूला लग रहा है, तो पावर वाला फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूले को, तो यहाँ पर क्या होगा एन ये वाला, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है, एन एक्स की पावर एन माइनस 2 1/2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। और माइनस, अब देखिए हमारे पास आगे क्या है एन एक्स की पावर, तो माइनस 1/2 ये एन है, एक्स की पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब है माइनस 1/2 ये एन है माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। तो अब हम हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा 1/2, अब देखिए एक्स की पावर 1/2 नीचे आएगी तो अंडर रूट क्या हो जाएगा प्लस में, नीचे आएगा प्लस में, और प्लस जो है अब ये क्या होगा 1/2 और नीचे आएगा एक्स की पावर, क्योंकि ऊपर है तो माइनस में है, नीचे ले आएंगे तो प्लस में 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2x डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस जो है वो y। तो अब देखें हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू, अब देखिए हमारे पास डी वाई डी एक्स की भी ये वैल्यू है, ठीक है डी वाई और डी एक्स। तो अब हमारे पास 2x इंटू इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स और प्लस जो है 1/2x की पावर 3/2, और जो है हमारे पास प्लस y, ठीक है तो प्लस जो है x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट। अब देखिए क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखें इनका हमने एलसीएम लिया दोनों का, तो 2x की पावर 3/2, क्योंकि ये बड़ी है तो ये एलसीएम हमने ले लिया, ये 2 इससे 2 कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने से
बाद बचा है वो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स अंडर रूट और प्लस वन ओवर एक्स अंडर रूट और प्लस ये वाला एक्स अंडर रूट माइनस ये वन ओवर एक्स अंडर रूट। अब देखें ये प्लस का है वन ओवर एक्स अंडर रूट और ये माइनस का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। अब ये भी प्लस का एक्स अंडर रूट है, ये भी है, तो आपस में हो भी प्लस रहे हैं, तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये हम हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या हमारे पास है, ये भी वही है, तो नीचे क्या लिखना है, हेंस रूट। तो ये आज का हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 था, जो कि हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।